हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बी ट्री, और ये इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है और आगे भी एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं, बस वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ बी ट्री विद की साइज इज इक्वल टू 10 bytes, ब्लॉक साइज 512 bytes, डेटा पॉइंटर साइज 8 bytes एंड ब्लॉक पॉइंटर इज ऑफ 5 bytes, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द बी ट्री। तो अगर हम बात करें गेट नेट के एग्जाम की बात करें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो आप अगर उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बी ट्री के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। या तो बी ट्री के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर इंसर्शन और डिलीशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो देखो, इसमें ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री जनरली होता क्या है, क्योंकि इंसर्शन और बी ट्री का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ बी ट्री होता क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें भी पता लग जाएंगे। तो देखो, ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री जो है वो एक्चुअल में होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल, मतलब किसी भी नोड के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्री की, तो ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, नोड है और हमारे पास एजेस हैं। तो देखो, ये हमारा होता है रूट नोड, तो रूट के आगे यहाँ पे मेरे पास इंटरनल नोड्स हैं और ये मेरी लीफ नोड्स हैं। तो रूट, इंटरनल, लीफ और यहाँ पे क्या है, नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल, मतलब रूट के मिनिमम चिल्ड्रन तो कितने हो सकते हैं, 2, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ऑर्डर। ऐसी अगर हम बात करें इंटरनल नोड के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर से पहले आपको समझना पड़ेगा इस नोड का, ये जो ट्री के अंदर, बी ट्री के अंदर इसको हम नोड बोल रहे हैं, इस नोड का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है बी ट्री के अंदर हर एक नोड का, मतलब चाहे हम बात करें रूट नोड की, चाहे हम बात करें इंटरनल लेवल पे किसी नोड की, हर एक नोड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, हमारे पास सबसे पहले होते हैं क्या, ब्लॉक पॉइंटर्स। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर। ये ब्लॉक पॉइंटर किसको डिनोट करता है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस नोड का आगे कोई चिल्ड्रन है, जैसे ये देखो, अगर ये रूट नोड है, इसका आगे ये चिल्ड्रन है, तो ये ब्लॉक पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, आगे अगर कोई हमारे पास एक अलग नोड है, मतलब कोई और चिल्ड्रन है। फिर ब्लॉक पॉइंटर के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है की वैल्यू, और की वैल्यू के साथ होता है डेटा पॉइंटर। की वैल्यू मतलब डेटा में हम सर्च किस बेसिस पे कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पहले भी बोला हुआ है की का मतलब क्या है, क्योंकि हम बी ट्री के अंदर रख रहे हैं सिर्फ इंडेक्स के रिकॉर्ड। तो देखो, आप किसी भी बुक में सर्च करते हो, कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, तो सबसे पहले हम इंडेक्स में जाते हैं। तो इंडेक्स में हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक तो की वैल्यू और एक पॉइंटर। मतलब की वैल्यू क्या होता है, जिस टॉपिक को आप सर्च कर रहे हो उसका जो ब्रॉड टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसका नाम, और उसके नाम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलता है आपको, पेज नंबर। तो ये क्या है, की वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिसके बेसिस पे आप डेटा में सर्च कर रहे हो। और डेटा पॉइंटर क्या है, ये पॉइंटर है जो आपको उस डेटा पे लेके जाएगा, मतलब यहां पे तो सिर्फ उसकी की वैल्यू मिल रही है, लेकिन जो डेटा पॉइंटर है, जो एक्चुअल डेटा है, वो तो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। तो उस डेटा पर जाने के लिए आपको ये पॉइंटर जो है वो हेल्प करता है, तो की, डेटा पॉइंटर। उसके बाद क्या होगा, इस पेयर के बाद अगेन फिर क्या आएगा, ब्लॉक पॉइंटर, जो अगेन आगे अगर कोई हमारे पास चिल्ड्रन है तो उसको पॉइंट करेगा। फिर हमारे पास क्या होगा, अगेन की, डेटा पॉइंटर, फिर हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर, फिर हमारे पास क्या होगा, की, डेटा पॉइंटर, फिर हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर। मतलब इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो चलती है। तो फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर, जो राइट साइड वाले चिल्ड्रन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो हमारे पास हर एक नोड में है क्या, ब्लॉक पॉइंटर, की वैल्यू, और उसके साथ हमारे पास डेटा पॉइंटर, फिर ब्लॉक पॉइंटर, की, डेटा पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, की, डेटा पॉइंटर, और फाइनली ब्लॉक पॉइंटर। तो ब्लॉक पॉइंटर का पर्पस पता लग गया कि जो ट्री की नोड्स हैं
उनको पॉइंट करता है ब्लॉक पॉइंटर, और जो डेटा पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर है वो पॉइंट करता है कि एक्चुअल में डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में कहां पड़ा है, उस पेज नंबर पे जाने के लिए आपको ये पॉइंटर हेल्प करेगा, और की वैल्यू जिस बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड. तो इस नोड में आपको हर एक नोड में यही कुछ मिलेगा. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हैं, n. नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स हमारे पास कितने हैं एक नोड में, लेट्स से n. तो एक पूरे ब्लॉक में, एक पूरे नोड में, या जिसको हम ब्लॉक भी बोल सकता हूं, उस ब्लॉक में लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली टोटल साइज कितना हो जाएगा ब्लॉक पॉइंटर का, एक ब्लॉक पॉइंटर का साइज और जितने ब्लॉक पॉइंटर्स हैं वो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो. प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या है, देखो ब्लॉक पॉइंटर्स अगर हमारे पास n है तो नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, n माइनस वन. कैसे, ये देखो सिंपल से एग्जांपल यहां पे अगर हम लेके चले, लेट्स से हमारे पास जो है वो ब्लॉक पॉइंटर है तीन, ब्लॉक पॉइंटर वन, ब्लॉक पॉइंटर टू और ब्लॉक पॉइंटर थ्री. तो ऑब्वियसली कीज कितनी है, देखो यहां पे मेरे पास की वन और की टू, तो की के इधर क्या है ब्लॉक पॉइंटर और इस की के इधर ब्लॉक पॉइंटर. तो नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स अगर तीन है तो कीज कितनी होंगी, टू. और रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी कितने होंगे या डेटा पॉइंटर्स भी कितने होंगे, टू, क्योंकि जो की है उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डेटा पॉइंटर. तो आप कह सकते हो अगर n नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स है तो नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, n माइनस वन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, n माइनस वन. तो हमारे पास जो अब देखो स्ट्रक्चर क्या बन गया, n इंटू ब्लॉक पॉइंटर, मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर अगर हम n मान लें तो नंबर ऑफ कीज कितनी होंगी, n माइनस वन. तो हर एक की का साइज कितना है वो हमारे पास जो है वो दिया होगा. प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास है रिकॉर्ड पॉइंटर्स. तो रिकॉर्ड पॉइंटर मैंने पहले ही बताया कितने होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर भी आपके n माइनस वन, जितनी कीज है उतने रिकॉर्ड पॉइंटर्स, या डेटा पॉइंटर्स भी आप बोल सकते हो, डेटा पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर एक ही बात है. तो इस पूरे का साइज किसके बराबर होगा, इस पूरे का साइज लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, ब्लॉक साइज के बराबर होगा. ये एक्चुअल में जो है वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी. तो एक ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक या जिसको आप नोड कह सकते हो, उस नोड का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, कितनी कीज और कितने रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं या डेटा पॉइंटर्स हैं. बस आप वैल्यूज पुट कर दो. तो नंबर ऑफ हमारे पास यहां पे n अगर ब्लॉक पॉइंटर है तो एक ब्लॉक पॉइंटर का साइज हमें दिया हुआ है 5 बाइट, पुट कर दो. प्लस n माइनस वन यहां पे अगर हम कॉमन ले लें तो की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर इकट्ठे आ जाएंगे. n माइनस वन यहां से कॉमन ले लिया तो की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, तो की का साइज कितना है 10, की का साइज हमें दिया हुआ है 10 और रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज या ब्लॉक डेटा पॉइंटर का साइज कितना हुआ है, डेटा पॉइंटर का साइज दिया हुआ है आपको 8. तो ये आपकी जो है वो इक्वेशन बन गई, लेस देन इक्वल टू व्हाट इज अ ब्लॉक साइज गिवन, एक ब्लॉक का साइज जो है वो 512 बाइट यहां पे दिया हुआ है, सारी वैल्यूज बाइट में है. तो ये क्या बन गया, 5n प्लस 18n माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 512 व्हिच इज 5n प्लस 18n क्या बन गया 23n माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 512 23n लेस देन इक्वल टू 18 उधर चला गया तो ये क्या बन गया 530 और n इज लेस देन इक्वल टू 530 डिवाइड बाय 23. जब आप इसको सॉल्व करोगे 23.04, जिसको आप क्या लिख सकते हो, मतलब 23 एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी, 23 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपके 23 ब्लॉक पॉइंटर तो पूरे फिट आ रहे हैं लेकिन जो 24th ब्लॉक पॉइंटर है वो पूरा नहीं फिट आएगा क्योंकि यहां पे आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचा है लेकिन इतना स्पेस नहीं है कि आप उसमें ब्लॉक पॉइंटर या रिकॉर्ड पॉइंटर आप फिट कर सको. तो आपको वैल्यू कितनी लेनी है यहां पे, 23 वैल्यू लेनी है, 24 मत लेना क्योंकि 23 इज लेस देन इक्वल टू 23.04 ना कि 24, क्योंकि 23 पूरे फिट हो जाएंगे, 24th वाला नहीं आएगा. तो यानी आपके पास आ गया कि नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स आपके कितने हैं 23 और जितने ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हर एक ब्लॉक पॉइंटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चिल्ड्रन को. ये ब्लॉक पॉइंटर चिल्ड्रन, ब्लॉक पॉइंटर चिल्ड्रन रिप्रेजेंटिंग द चिल्ड्रन. तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर आपका मैक्सिमम कितना आ गया 23, यानी मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम चिल्ड्रन जो पॉसिबल है वो है 23 और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो. अगर हम बात करें रूट नोड की तो रूट में मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई 23, मतलब मैक्सिमम चिल्ड्रन आपके 23 और मिनिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, मिनिमम तो दो ही हो सकते हैं,
रूट नोड की अगर हम बात करें तो मिनिमम दो चिल्ड्रन, मैक्सिमम 23 जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो जितने ब्लॉक पॉइंटर्स उतने आपके जो है यहाँ पे चिल्ड्रन बन जाएंगे। और अगर हम बात करें इंटरनल नोड की, तो इंटरनल नोड में मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं 23, और मिनिमम चिल्ड्रन कितने होते हैं इसको हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, 23 डिवाइड बाई 2 की अपर वैल्यू, मतलब जो हमारे पास ऑर्डर आता है या जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू आती है तो ऑर्डर डिवाइड बाई 2 का अपर वैल्यू जो है वो लेते हैं। तो ये आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा जिसको आप 12 लिख सकते हो। तो यानी मिनिमम चिल्ड्रन पॉसिबल है इंटरनल नोड के 12, लेकिन मैक्सिमम चिल्ड्रन पॉसिबल है 23। जल्दी हम मैक्सिमम ही लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ब्रॉड बने, ब्रॉड बनेगा तो ऑब्वियसली डेप्थ कम जाएगी, तो जितने चिल्ड्रन ज्यादा होंगे तो ब्रॉड बनेगा, तो हम मैक्सिमम। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम पूछ लें तो आप मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो, रूट का पूछ लें तो रूट का, इंटरनल नोड का तो इंटरनल नोड का, मिनिमम पूछ रहे हैं मैक्सिमम पूछ रहे हैं, सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और लीफ के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, लीफ का तो कोई चिल्ड्रन होता ही नहीं है क्योंकि वो लीफ नोड्स हैं, तो ये इस तरीके से आपके पास आ सकता है। और अगर हम बात करें अगर ये वैल्यूज आपको दी है तो कितनी कीज पॉसिबल है, कीज को हम कैसे निकालते हैं, जितना हमारे पास ऑर्डर आता है ऑर्डर माइनस 1, मतलब जितनी कीज हमारे पास अगर फाइंड आउट करनी हो तो आप इसमें से -1 -1 कर दो, उतनी आपकी कीज और उतने ही आपके रिकॉर्ड पॉइंटर्स पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमें जो है वो ऑर्डर ऑफ अ बी ट्री फाइंड आउट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बी ट्री। थैंक यू।